लिए चलते हैं जहां पर शिक्षक दिवस समारोह के तौर पर शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह राजभवन में शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल रामेन डेका भी मौजूद हैं। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये समारोह हो रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामेन डेका शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। 55 शिक्षकों का चयन किया गया है। खास बात यह है कि इन शिक्षकों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए उन्हें इसमें चुना गया है और आज राष्ट्रपति भी शिक्षकों का सम्मान करेंगे। लेकिन तस्वीर आपको दिखा रही है रायपुर से, जहाँ पर राजभवन में शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। रायपुर में खास ये मौका है, आज शिक्षक दिवस है और राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 शिक्षकों को सम्मान मिला है राज्य शिक्षक सम्मान से, राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार, और 52 शिक्षकों को राज्यपाल शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये 2 बड़ी बातें हमने आपको बताई हैं शिक्षक दिवस के मौके पर। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ के 55 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। तस्वीर आपको हम सीधे दिखा रहे हैं, बिलासपुर की शिक्षक डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुवे को डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, कबीरधाम के शिक्षक हैं राजश्री पांडे, इन्हें डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार, और दुर्ग की डॉक्टर सरिता साहू जो कि शिक्षक हैं, इन्हें डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाकी शिक्षकों की भी, जिन्हें सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीधे तस्वीर आपको ये रायपुर से दिखा रहे हैं, राज्यपाल रामेन डेका के मुख्य आतिथ्य में, यानी कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रामेन डेका हैं जो कि शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। 55 शिक्षक जिनका चयन किया गया है, राजभवन से तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं। आज बेहद खास मौका है, शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो 3 जो शिक्षक हैं उन्हें राजभवन में सम्मानित किया जा रहा है खास तौर से, और बाकी 52 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। तो कुल 55 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और खास बात यह है कि अब हम आपको पूरी सूचना भी दे देते हैं कि कौन कौन से शिक्षक हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, हम आपको लगातार नाम भी बता रहे हैं। तो कौन कौन से शिक्षक हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, हम आपको नाम भी बता देते हैं। श्रीमती नेहा नाथ, माधुरी उइके, मधु सोनवानी, ये सरगुजा से हैं, दंतेवाड़ा से नेहा नाथ हैं, माधुरी उइके हैं, सूरजपुर से रीता गिरी हैं, विनीता सिंह हैं, बालोद से धर्मेंद्र श्रवण हैं, भरतलाल साहसी हैं, जशपुर से टुमुन गोसाई हैं, अयोध्या किशोर गुप्ता हैं, सुकमा से जयमाला हैं, हर्षिका गुप्ता हैं, इसके अलावा एमसीबी से नीलकंठ कोंगरे हैं, अंगन सलागे हैं, जीपीएम से स्वप्निल सिंह पवार हैं, और अर्चना सामुएल मसीह हैं। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कोंडा गांव से तनुजा देवांगन हैं, सरस्वती नाग हैं, श्वेता सोनी कोरिया से हैं, अपर्णा मिश्रा कोरिया से, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कुल 55 शिक्षक हैं। तनुजा देवांगन कोंडा गांव से हमने आपको नाम बताई दिया है, राजनांदगांव से गोकुल दास हैं, जयप्रकाश साहू हैं, नारायणपुर से हैं कविता और लता, इसके अलावा जांजगीर चांपा से दिनेश कुमार, कामता प्रसाद, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से हैं सुनीता यादव और पूनम सिंह साहू, बेमित्रा से हैं हिम कल्याणी और भुवन लाल साहू, महासमुंद से हैं प्रमोद कुमार, शैलेंद्र कुमार। तो तमाम शिक्षक जिनको सम्मानित किया जा रहा है, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ये राजभवन से, जहाँ पर राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। इसके अलावा बलरामपुर से श्याम कुमार गुप्ता, विनोद कुमार पंत, मुंगेली से सत्यनारायण तिवारी, जितेंद्र गेंदले, गरियावन से डिगेश्वर कुमार साहू, किशोर कुमार निर्मलकर, धमतरी से ज्योति, आशीष, मनीषा, इन टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रधान पाठक हैं, कुछ व्याख्याता हैं। रायगढ़ से सुशील कुमार गुप्ता, कोरबा से भूपेंद्र और वसुंधरा को सम्मानित किया जा रहा है। सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हुए आज उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया जा रहा है। खास बात यह है कि जगदलपुर से मीरा और मोहम्मद अकबर खान को भी
सम्मानित किया जा रहा है और बीजापुर से पवन कुमार सिन्हा और कंकेम नारायण इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 3 टीचर्स को दिया गया है, 3 शिक्षकों को दिया गया है, वो नाम भी आपको बता देते हैं जल्दी से। डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुवे आप व्याख्याता हैं और इन्हें जो कि ये पढ़ाती हैं शासकीय हाई स्कूल पाली तखतपुर में बिलासपुर में, इन्हें डॉक्टर पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा श्री राजश्री पांडे हैं, आप शिक्षक हैं और कबीरधाम में पढ़ाते हैं, डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर श्रीमती सरिता साहू हैं, आप दुर्ग में पढ़ाती हैं और इन्हें डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राजभवन से, पूरे 55 नाम हमने आपको बता भी दिए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक, वैसे तो हर शिक्षक सम्मान का अधिकार है, सम्मानित होना भी चाहिए, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षण के साथ साथ उत्कृष्ट कार्य करते हैं, एक्सीलेंस उनका काम होता है और इसलिए शिक्षक दिवस के मौके पर उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व योगदान और कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आज शिक्षक सम्मान समारोह है, सीएम विष्णुदेव साय सम्मानित कर रहे हैं शिक्षकों का और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल रामेन डेका सम्मानित कर रहे हैं। बेहद खास ये कार्यक्रम राजभवन से सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कुल 55 शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ये आपको जानकारी होगी ही, हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन आज ही के दिन 5 सितंबर को होता है और इसी याद में आज भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजभवन से, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, शिक्षकों का सम्मान समारोह हो रहा है। 1962 से लगातार हर साल 5 सितंबर को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने पर, और ये योगदान बेहद खास होता है, शिक्षकों का सम्मान करने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से लेकर लगातार हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया भी जाता है और शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे, इनमें से कई शिक्षक हैं, कोंडागांव के हैं, दुर्ग के हैं, बिलासपुर की हैं, गरियाबंद की हैं, बेमित्रा की हैं, तो ये बताता है कि सुदूर अंचलों में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए इन शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा दी ही है, लेकिन इसके साथ साथ उत्कृष्ट योगदान दिया है। दंतेवाड़ा नक्सल क्षेत्र में भी जो शिक्षण का काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं चुनौती में भी, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, सरगुजा हो, सूरजपुर हो, बालोद हो, जशपुर हो, सुकमा हो, ये तमाम वो ज़िले कोंडागांव, कोरिया, राजनांदगांव, जहाँ पर इन शिक्षकों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, उसको लेकर अब इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में इन शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है।